चतुर बीरबल में आज की कहानी है बादशाह का गुस्सा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर किसी बात को लेकर अपनी बेगम से नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बेगम साहिबा को कह दिया कि अब आप महल छोड़कर अपने मायके चली जाएं। लेकिन बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा होगा, इसलिए उन्होंने मायके जाने का फैसला नहीं किया। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं, सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। यह सुनकर बेगम सिसक कर अपने कक्ष में चली गईं। फिर वहां जाकर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गए। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बीरबल को बताया और उनके हुक्म की भी बात बताई। बीरबल ने कहा, बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो आपको जाना ही पड़ेगा, और रही अपनी मनपसंद चीज ले जाने की, तो जैसा कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। बादशाह ने वहां जोर से पुकारा, कोई है? बादशाह की आवाज सुनकर उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर फिर समझ गए कि वे अपने ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहां ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। बेगम ने कहा, मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा और मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया।